नमस्कार आम ओडिशा को स्वागत करुच्छे मुस्निग्धा। हाई वोल्टेज ड्रामार हाई वोल्टेज क्लाइमाक्स गोटे राति में सबकि ओलटपालट हो मुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं देवेन्द्र फडणवीस आ उपमुख्यमंत्री होती अजित पवार एवं चली आक्शन पर रिएक्शन देखा से ही बड़ खबर महाराष्ट्र में पावर प्ले महाराष्ट्र राजनीति में महाट्विस्ट राताराति बदलीगला राजनैतिक दृश्यपट सकाळे मुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं बीजेपी नेता देवेन्द्र फडणवीस तह उपमुख्यमंत्री भाव में एनसीपी नेता अजित पवार शपथ नहीं देवेन्द्र फडणवीस शपथ नेवास महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन प्रत्याहार कर गत 12 तारीख में राष्ट्रपति शासन जारी करते महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता। बहुत दिन आपने देखा चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया तब से अभी तक कौन सा भी कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया। नजर पकाइबा महाराष्ट्र रे बीजेपी रो उत्थान उपरे बीजेपी शिवसेना रो मेंटो 30 वर्ष पुरुणा 1990 विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी को 42 आसन मिलिथिबा बले शिवसेना को मिलिथिला 52 आसन 1995 रे बीजेपी को 65 एवं शिवसेना को 73 आसन मिलिथिला 1999 मसीहा रे महाराष्ट्र रो विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी को 56 एवं शिवसेना को 69 आसन मिलिथिला 2004 बीजेपी 54 एवं शिवसेना 62 आसन रे विजयी होइथिला 2009 बीजेपी 46 एवं शिवसेना हतेइथिला 44 आसन 2014 बीजेपी शिवसेना अलग अलग निर्वाचन लड़ीथिले आउ एही थारु महाराष्ट्र रे बीजेपी रो अभ्युदय आरंभ होइथिला एथिरे बीजेपी 122 टी आसन रे विजयी होइथिबा बेले शिवसेना 63 टी आसन रे विजयी होइथिला आउ 2019 विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी को 105 एवं शिवसेना को मिलिथिला 56 टी आसन राज्यपालंकर भूमिका को नहीं प्रश्न उठाइले एनसीपी मुख्य शरद पवार एमिति तरबरिया भाव में कहीं शपथ पाठ करागला बोली कहते शरद पवार एने शिवसेना और एनसीपी पक्षर् मिलित सांबादिक सम्मिलन तीन दल मिसी सरकार गठन पर निष्पत्ति नहीं सरकार गठन पर तीन दल आवश्यक संख्या थिला बोली शरद पवार कहते बीजेपी को अजित समर्थन निष्पत्ति व्यक्तिगत दल कौन विधायक नहांती से दलय विधायकों भूताई राजभवन को डकते जा कि विधायक फेरी आसी एनसीपी कौन विधायक बीजेपी सह जीवे नहीं शरद पवार अपराह्नरे विधायक दल बैठक डकई ए नुआ विधायक दल नेता बछाजह अजित विरोध में भी कार्यानुष्ठान निष्पत्ति शेष आम जितबू बाजे जितबू बोली शेष एनसीपी मुख्य We have been told to come, we have to discuss, and we have to sit at one particular place. That's why
They sat in the car, and the car LCBC took them to Ghaziabad. Till yesterday we were together, we were discussing, we are planning our next course of action, and we never expect this type of action. ସେହିପରି ଶିବସେନା ସୁପ୍ରିମୋ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯାହା ଖେଳ କରୁଛି ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁଛି। ବିହାର ଓ ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପି କେମିତି ସରକାର କରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ ଯାହା କହୁ ଏବଂ ଯାହା କରୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୁଚାଛପା କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁନାହୁଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକେ ଛୁଟୁଛି ଘୋଡ଼ା। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ, ଏନ୍ସିପି, ଶିବସେନା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ଗୃହରେ ହରାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବିନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାରାତରେ ବିଜେପି ଲୁଚି ଲୁଚି ସରକାର ଗଠନ କଲା। ସମର୍ଥନ ପତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉପହାସ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। प्रेसमीटरे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाई गई, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के इतिहास में ये घटना काली स्याही से लिखी जाएगी। पहले दिन से जब बीजेपी को इनवाइट किया गया, उसके बाद शिवसेना को इनवाइट किया गया, उसके बाद एनसीपी को इनवाइट किया, लेकिन जो कांग्रेस को मौका देना चाहिए था ये राज्यपाल महोदय ने वो मौका नहीं दिया। संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविज़न है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है, और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। कल ही हम लोग यहाँ पर आए थे, बहुत अच्छी मीटिंग रही। शाम तक कुछ एकाध दो मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत थी, और उसीलिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे, लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, मेरे ख्याल से उसके लिए उसकी आलोचना करना और उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାତାରାତି ବଦଳିଗଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଏହାକୁ ଷଡ଼ଚନ୍ଦ୍ର କହିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଖୁଲାସା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିବା 8 ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଫେରିଆସିଲେଣି। ମିଛ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ବି ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ସେପରି ଗୃହରେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ବିଜେପିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଶିବସେନା। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନା ଖବରକାଗଜରେ ହେବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା, ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର ଖଳନାୟକ ପଦାରେ ପଡ଼ିବେ। ଶାସନ ହଟାନେ କି ବାତ ଆଦେଶ ଆୟା ଇସ୍ ଦେଶ ମେ ଐସା ବି ହୋତା ହେ ଓ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋତେ ହୁଏ ଜିସନେ ହମେଶା ଲୋକତନ୍ତ୍ର କି ବାତ କି ହାଁ ନୈତିକତା କି ବାତ କି ଲେକିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେ ହୁଆ ହେ छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस प्रकार से जो छल कपट की राजनीति हुई है, राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप कितने भी चोरी चपाटे कर लीजिए, 30 नवंबर में अगर हिम्मत है तो आप बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहब, हम सब अभी बैठे थे, 8 विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ थे, 8 विधायक, उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, 3 तो आपने देखे, वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे, शायद अजित पवार भी वापस आएंगे। पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है, सुबह 7 बजे अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र।
त्रिपुरा घटनारे बड़ खबर वर्तमान सामनाकु आसुछी। विद्रोहींकु कार्यानुष्ठानर चेतावनी देले शरद पावार। अजित पावार ओ समर्थनकारीक विरोधरे कार्यानुष्ठान हेबो। अजितकु समर्थन करुथुबा नेतांक विधायक पद रद्द हेबो। आज निर्वाचित हेबे एनसीपी विधायक दल नेता। एनेकि सूचना देछंती एनसीपी मुख्य शरद पावार। अजित बीजेपी को समर्थन पर विद्रोही कार्यानुष्ठान चेतावनी देखते शरद पावार। अजित पावार और समर्थनकारी विरोध में कार्यानुष्ठान शरद पावार कहते। अजित को समर्थन करुवा नेता विधायक पद रद्द होगा नहीं सूचना देखते। यासह आज निर्वाचित हेबे एनसीपी विधायक दल नेता। जो भाव अजित समर्थन देखते बीजेपी को ताकि वर्तमान पावर करिडर में चर्चा एवं शरद पावर एने की सूचना दे सारी विद्रोही विद्रोही विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नुआ विधायक दल नेता आज बछाजी। यासह अजित पावर और समर्थनकारी विरोध में कार्यानुष्ठान एनसीपी मुख्य शरद पावर सूचना देखते। तेरे हाई वोल्टेज ड्रामार हाई वोल्टेज क्लाइमाक्स बेस घटना बहुल थिला महाराष्ट्र निर्वाचन फलाफल ठार् आरंभ कर फडणवीस शपथपाठ पर्यंत। एवं आसतु नजर पकाइबा महाराष्ट्र राजनीतिर घटनाक्रम उपरे। महाराष्ट्र निर्वाचन पर अक्टोबर 24 भोट गणति एथिरे बीजेपी को मिलिथिला 105 आसन, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को मिलिथिला 44 आसन। बीजेपी शिवसेना मेंट को पूर्ण संख्या गरिष्ठता मिलते भी सरकार गठन नहीं छक्का पंजा लगी रही। शिवसेना चाहूला अढ़े अढ़े वर्षर मुख्यमंत्री पद। बीजेपी अढ़े अढ़े वर्षर मुख्यमंत्री सपक्ष में नथिला। सरकार गठन नहीं कौनसी बुझामणा नहेबारु बीजेपी शिवसेनार 30 वर्षर संपर्क भांगिला। बीजेपी एकाकी सरकार गठन पाई समर्थ नुहे बोली जणाइला। यहपर राज्यर द्वितीय सर्वबृहत दल शिवसेना को सरकार गठन पाई डाकी राज्यपाल। कांग्रेस एनसीपी समर्थन देवे बोली कहिले, किंतु राज्यपाल देथिबा समय मध्यरे शिवसेना कौनसी दलर समर्थन पत्र देई पारलानी। आलोचना पाई शिवसेना दुई दिन समय मागिला, मात्र राज्यपाल आउ अधिक समय न दे एनसीपी को सरकार गठन पाई डाकिले। एनसीपी सरकार गठन पाई कथबार्ता करथवा बेले निर्धारित समय पूर्वरु राज्य रे जारी हेला राष्ट्रपति शासन। मुंबई और दिल्ली रे घन घन बैठक बसिला। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं तीन दल मध्य आलोचना हेला। नुआ नुआ फॉर्मूला को नहीं होइथिला आलोचना। शिवसेना एनसीपी रो अढ़ाई वर्ष लेखाएं मुख्यमंत्री कांग्रेस रो उपमुख्यमंत्री नहीं मध्य चर्चा हेला। तेबे नुआ दिल्ली रे प्रधानमंत्री मोदी को एनसीपी मुख्य शरद पवार भेटिया परे बदली गला घटनाक्रम। चाषी समस्या नहीं प्रधानमंत्री को भेटिथिले बोली शरद पवार कहिथिले। एहा परे सरकार गठन पई शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी रो एकाधिक बैठक होइथिला। बैठक रे निष्पत्ति हेला उद्धव ठाकरे हेबे मुख्यमंत्री। 16, 14, 12 फॉर्मूला रे सरकार गठन हेबो। उपमुख्यमंत्री बाचस्पति पद के दल को जीव आपातत स्थिर हेला। शुक्रवार शरद पवार घोषणा कले तीन दलर सहमति उद्धव ठाकरे हेबे मुख्यमंत्री। शनिवार चूड़ांत घोषणा हेबो बोली आशा करा जाउथिला। राज्यपाल तांकर तीन दिनिया दिल्ली गस्त बातिल करथिले। शरद पवार अजित पवार सोलापुर गस्त मध्य बातिल करथिले। हेले शनिवार सकाळु नाटकीय घटनाक्रम रे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजित पवार उपमुख्यमंत्री भावे शपथ नहींछंती। इतिहास पुनरावृत्ति 41 वर्ष पर रिपीट हो महाराष्ट्र राजनीतिर इतिहास। 41 वर्ष तले जोभली भाव में निज दल छाड़ी जनता दल सह मेंट करते शरद आउ मुख्यमंत्री होते ठीक से ही ढंग से शरद पुतुरा चलाई राजनीतिर गोटी। राति अधिया निज दल एनसीपी विरोध में जा बीजेपी हाथ धरी उपमुख्यमंत्री पलटि जाइछन्ति अजित पावार। 1977 निर्वाचन में कांग्रेस बड़ बड़ नेता एमतीक पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी परास्त होगापर केन्द्र में क्षमतासीन हो पारिनथिला। कांग्रेस सरकार गढ़ीला जनता दल महाराष्ट्र में कांग्रेस भी शोचनीय प्रदर्शन करथिला। एथिपाई निजक नैतिक भाव में दायी कर मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देते शंकर राव चौहान आउ स्थान नहीं कांग्रेस बसंत दादा पाटिल।
ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଭାଜନ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ୟୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶରତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଯଶବନ୍ତ ରାଓ ପାଟିଲଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସର ୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1978ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ୟୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବସନ୍ତ ଦାଦା ପାଟିଲ ଆଉ ଶରଦ ପାୱାର ହେଲେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ମାସ କେଇଟା ପରେ ଓଲଟିଗଲା ଖେଳ। କଂଗ୍ରେସ ୟୁରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଜନତା ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଶରଦ, ଆଉ ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅବଶ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ 1980ରେ ପାୱାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଜ ଦଳ ସହ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ ଶରଦ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ସିପି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଅଜିତ ପାୱାର। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚୁଟି ଛୋଟିଆ।